नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे नालंदा के लाल के बारे में, जो कि बॉलीवुड में कर रहे हैं कमाल। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, जब सामने आती है तो दिख ही जाती है। बिहार के इस लाल ने भी बॉलीवुड में भी खूब ऐसा ही कर दिखाया है। नालंदा के लाल, मेरी कॉम, मुक्केबाज, जय जंगल, जय गंगा जल, राजा नटवर लाल जैसी फिल्मों के ऐसी फिल्मों से दर्शकों के बीच में अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता शक्ति कुमार इन दिनों अपनी सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज मत्स्य कांड को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने बॉलीवुड में मेन विलेन का रोल भी किया है। आज उनकी सराहना की जा रही है। अब नए साल में शक्ति कुमार के लिए बेहद खास होने वाला है। इस साल रेड चिल्ली की भक्षक एंड मॉल के लिए AK-47, सोनी लिव के वेब सीरीज डॉक्टर अरोरा व अमेजन द इज टू इज सेंडो की तीसरी सीरीज और इम्तियाज अली के साथ वो नज़र आने वाले हैं। नालंदा के लाल मुंबई में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं। फिल्मों में अभिनय के शौकीन शक्ति को सोनी टीवी के धारावाहिक बाहुबली में बड़ी पहचान मिली। बड़े पर्दे पर उनको पहला ब्रेक अश्विनी चौधरी की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म धूप से मिली थी। इसके साथ ही फिल्म में ओम पुरी के साथ भी वो काम कर रहे थे। बिहार आधारित अंतर्द्वंद फिल्म की भी खूब सराहना हुई और फिल्म को जो है नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद शक्ति के अभिनय को लोगों ने खूब सराहा और जांचा और परखा और पता चला कि शक्ति जो है बॉलीवुड में एक अच्छे अभिनेता के रूप में काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों के बारे में। इसमें प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मेरी कॉम में वो विलन के रोल में दिखाई दिए थे। इसके बाद इमरान हाशमी और के मेनन के साथ राजा नटवर लाल, प्रकाश झा और प्रियंका चोपड़ा के साथ जय गंगा जल इसी प्रमुख फिल्मों में वे काम कर चुके हैं। प्रकाश झा की एक और फिल्म परीक्षा में वे दिखाई दिए, जिसमें उनकी फिल्मों की खूब सराहना हुई और यह फिल्म जो है G5 पर रिलीज हुई थी। शक्ति भले ही पिछले 20 साल से माया नगरी में रह रहे हों, यानी कि मुंबई में रह रहे हों, बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हों, लेकिन आज भी उनका दिल अपने प्रदेश के लिए ही धड़कता है। वह आज भी अपनी माटी से जुड़ कर रहना चाहते हैं। वह नालंदा के कुछ करके दिखाना चाहते हैं। वह नालंदा के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। शक्ति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी 6 कंपनियों में एक नालंदा इनोवेशन एंड क्रिएशन भी है। वे नालंदा या फिर राजगीर में थिएटर शुरू करने में लगे हुए हैं। इस थिएटर में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी कि जिसे हम NSD कहते हैं, उससे पास आउट हुए ट्रेनिंग देंगे, यानी कि उससे जो पास आउट हुए लोग हैं वो इस थिएटर में ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार को उन्होंने कई प्रपोजल दिए हैं। ऐसे में अब देखना है कि शक्ति का सपना कब साकार होता है और बिहार के बच्चे बॉलीवुड में शक्ति के माध्यम से एक अपनी अलग पहचान बना पाते हैं या नहीं। शक्ति इसी तरह से बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरते रहें और बिहार का नाम रोशन करते रहें। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।